हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास कोई पीडीएफ फाइल है और आप उस पीडीएफ फाइल में एडिटिंग करना चाहते हैं, उसे एमएस वर्ड में कन्वर्ट करके उस पर आप एडिट करना चाहते हैं, तो उस पीडीएफ फाइल को आप कैसे एमएस वर्ड में कन्वर्ट करेंगे और कैसे उस पर एडिट करेंगे, इसी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, हमारे पास यहाँ पर डेस्कटॉप पर पीडीएफ फाइल है यहाँ पर, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस पीडीएफ फाइल को कैसे वर्ड में कन्वर्ट करेंगे और इसे एडिट करेंगे। तो सिंपली आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी से आपको लॉगिन हो जाना है। फिर लॉगिन होने के बाद गाइस, यहाँ पे आपको अपना ड्राइव ओपन करना होगा। यहाँ पे आपको सेटिंग्स के बगल में जो ऑप्शन दिख रहा है गूगल ऐप्स का, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ड्राइव पर क्लिक कर देना है। ठीक है, आपको अपनी ड्राइव ओपन कर लेनी है। तो गाइस, जैसे कि हमारी ड्राइव यहाँ पर ओपन हो चुकी है, हम यहाँ पर न्यू पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर हम फाइल को अपलोड कर लेंगे। ठीक है, हमारी जो भी पीडीएफ फाइल है हम इसको अपलोड कर लेंगे। तो ये हमारी पीडीएफ फाइल है, हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिंपली ओपन पे क्लिक कर देंगे। तो गाइस, हमारी पीडीएफ फाइल यहाँ पे अपलोड हो रही है। गाइस, हमारी पीडीएफ फाइल यहाँ पे अपलोड हो चुकी है जैसे कि आपको दिख रहा है, और यहाँ पे जो हमारी पीडीएफ फाइल का नाम है वो भी पीडीएफ है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये पीडीएफ फाइल यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अब आपको सिंपली क्या करना है, इस पीडीएफ फाइल पर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ओपन विथ पे आना है और यहाँ पे आपको गूगल डॉक्स पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपकी जो फाइल है वो गूगल डॉक्स में ओपन हो जाएगी। तो गाइस, हमारी जो पीडीएफ फाइल है वो यहाँ पे डॉक्स में ओपन हो चुकी है गूगल डॉक्स में। अब यहाँ पे आपको एडिटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, जैसे कि कर्सर हमारे यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। अब आप चाहे तो यहाँ पर कुछ भी एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी लिखना है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये फ़ाइल वर्ड में चाहिए, मैं इसे एमएस वर्ड में एडिट करूँगा, तो आपको सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पे आपको फ़ाइल पे आना है और यहाँ पे आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड पे जैसे ही आप आएंगे, यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ऑप्शन दिख रहा है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। तो गाइस, ये फ़ाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी यहाँ पर एमएस वर्ड में। तो गाइस, अभी आपको दिख रहा है कि ये जो पीडीएफ फाइल थी वो आपकी यहाँ पर एमएस वर्ड में कन्वर्ट हो चुकी है। अब आप इसे डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, हमारी जो फाइल है पीडीएफ वो एमएस वर्ड में कन्वर्ट हो चुकी है और यहाँ पे हमारा, और अब ये यहाँ पे एमएस वर्ड में ओपन हो चुकी है। तो अब आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से गाइस आप अपनी पीडीएफ फाइल को एमएस वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर एडिटिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए अपना और अपनी फैमिली का। थैंक यू।